फ्रेंड्स, दिस इज योर होस्ट विचित पंगाल। आई होप यू आर फिट एंड फाइन। दिस इज अ नेक्स्ट डे और नेक्स्ट व्लॉग है ये, और ये हमारा गजल। कैसे गजलो? अच्छी। खाना खा लिया बेटी? हाँ। सारा खा गई? हाँ। आज मैं थोड़ा लेट उठा और व्लॉग अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। कौन सी क्लास में? ये बता दे सबको। यूकेजी। और कल क्या पढ़ाई कर रहा था तू? कल? हाँ। अच्छा, फिर कबूतर। अच्छा, फल, मतलब फ्रूट्स के नाम, फ्रूट्स के नेम हिंदी में लिखना था ना, तो फ्रूट्स के नाम वगैरह और सारे लिख दिए थे ना। हाँ। और आज क्या होमवर्क है आज? हाँ, 1-2 का। अच्छा, आज मैथ्स का होमवर्क है, तो मैथ्स का काम करेंगे। चलो खाना खा लेता हूँ, फिर अपने दिन की शुरुआत करते हैं। मतलब लिटरली कोई बारिश नहीं आ रही है, बट ये हमारे छोटी छोटी बच्चियों ने तो ये छाता लेके दादी मां के घर तक चली गई। ये देखो। चलो, मतलब असबीर भाई के वाला घर पे तो लोग आ रहे हैं वहाँ पे, तो मैं कहा छोटे हम बच्चे उधर ले जाता हूँ, तो वहाँ ठीक रहेगी, इनको खिला भी लेंगे। वैसे आज तो मुझे जाना था पर इन्होंने रोक लिया। क्या कह के रोका? मैंने कहा कि हमारा मन नहीं लगेगा, इसलिए आप दो दिन। तो फिर मैं रुक ही रहा हूँ, फिर पापा आएंगे। एक महीना मैंने आई रख ले तो हम तो वही अब उधर जाने लग रहे हैं हम। थोड़ी बहुत बारिश आ गई, नहीं तो हमारा क्रिकेट का प्लान था। तो गाइस, अब हमारा क्रिकेट खेलने का टाइम है और रचित भैया बैटिंग फॉर ये। चलो फिर करो ये, अब एक्टिंग करके चल भाई। यहाँ से बैठ। 9-4 + 3-6 प्रतीक बोल रहे थूण ले चुप्पी क्या होगा तो भाई आज लास्ट डे है जब मैं यहाँ पे हूँगा, तो आज तेरामी है भाई की, तो सारा प्रोसेस करके और फिर आज हम जाएंगे। पापा भी पहुंचने वाले हैं। अभी क्या टाइम हुआ भाई? नहीं जाना। 9 बज चुके हैं, दिख रहा होगा, 9:15 हो गई है। सो पापा सिर्फ और सिर्फ 5 या 10 मिनट में पहुंचने वाले हैं, और सारे लोग आ भी चुके हैं। मैं नहा चुका हूँ। नहा लिया? हाँ। और अब मेरे को एक बार जूते साफ करने हैं, बहुत गंदे हो गए जूते। सो जूते साफ करता हूँ। ये कह दिए नहीं जाना, 5 दिन और रुको। इनको बताओ भाई अपनी फिश है ना, वो खाना नहीं खा रही है, तो मेरे को खिलाना पड़ेगा, है ना भाई? दादा खिला देगा। दादा तो खुद यहाँ आ गया, फिर वापस चला जाएगा। नहा ले, इधर आ, इधर आ, बाथरूम में खाली। आ जा इधर, आ आ जाओ भाई। हर्षित नहा, कौन सी क्लास में है तू? हर्षित फिफ्थ में। ये मेरे भाई का बेटा है, सबीर भाई का। और जल्दी नहा ले फिर, सुन पापा आने लग रहे हैं, तेरे गिफ्ट आ रहे हैं। इसका बर्थडे है 20 तारीख को, तो पापा गिफ्ट ले गए रहे इसके लिए। हर्षित हैप्पी बर्थडे। ठीक है, इसके अंदर शायद वो भी है, खोल के देख। बज तो रहा है, पता नहीं कुछ हो रहा है, वो ही है। खुश खुश है क्या? पसंद आई?
और ये हमारी छुट्टी है मुझसे और ये शिक्षक का कैमरा था, ये बच्चे है क्रिया होगी और इसमें पर आज ये पेयर जा रही है हमारी गीता रानी। बहुत बहादुर लड़की है और बच्चे बहुत बहादुर, हमारे बहुत बहादुर बच्चे। हेलो दोस्तों, हम घर पे आ चुके हैं। बीच में मैंने थोड़ा शूट करा था जो आपने देख लिया, भाभी से मिले थे, मम्मी ने आपको इंट्रोड्यूस कराया था, वो मेरी भाभी है और मेरे असबीर भाई के तीन बच्चे हैं, तो वो उन सबको आप मम्मी ने मिला ही दिया था। सो वो उनको कैमरे पे लाने का एक रीजन था कि वो मम्मी बताएगी, और इसलिए ये जो ब्लॉग आएगा सारा इस परिवार के, मेरी ननद के परिवार को डेडिकेशन के लिए हम डाल रहे हैं। उसमें उस बच्चे के बीवी और बच्चे हैं और उसकी जो 13वीं रस्म क्रिया थी वो दिखा रहे, और उसकी बहन की हालत जो हो रही है बस वो देख ही नहीं जाती, उस बच्ची का क्या हाल हो चुका है। आज वो लड़की कैथल एडमिट करवानी पड़ी है हमने, बहुत बुरा हाल है आज उस परिवार का, कैसे हम उस परिवार को छोड़ के आए हैं। और आज क्योंकि हमारी मजबूरी थी, एक बार आना, हमने 12 दिन हो गए वहां बैठे हुए, तो घर भी संभालना जरूर था, वापिस भी जावांगे भाई, संभालांगे, हम तो संभालांगे, पर इस हरियाणा राज्य का भी तो कोई फर्ज होगा जो उस परिवार को कुछ सांत्वना ही दे आए। दूसरा यही था कि आज 13वीं हो चुकी है असबीर की, और ये सेना के जवान भी आए हुए थे स्पेशल उसकी यूनिट से, कुछ अधिकारी भी आए हुए थे, सारे रिश्तेदार यारे प्यारे सब थे, लेकिन एक अपने हलके के प्रतिनिधि का भी एक फर्ज है कि जैसे वो बात करते हैं जब उनको वोट मांगने होते हैं, जब ये कहते हैं कि भाई हम आपके साथ हैं, अगर आप हमारे साथ हो तो आपके अधिकारी भी यहीं हैं, इसी शहर में हैं, आपके नेता भी यहीं पे है, आपके मंत्री, कोई तो एक दो शब्द दुख की घड़ी में अगर कोई परिवार के साथ आ जाए तो आना को तो क्या है, बच्चा तो वापस नहीं आएगा, लेकिन ये है कि थोड़ी सी संवेदना प्रकट कर दे तो थोड़ी हिम्मत बढ़ती है। तो इन चीज़ों के लिए भी मतलब ये बड़े दुख के साथ कहना पड़ता कि कोई भी अधिकारी या कोई भी उनका नेता या कोई भी मंत्री वहाँ पे आए नहीं, लेकिन वो बात बहुत बड़ी बड़ी करते हैं कि हम सब के साथ हैं, हम किसी का दुख नहीं दे, वैसे तो इतने बड़े बड़े भाषण दे देते हैं कि शहीद जवान हो गए, माँ के लाल, हम इनके साथ हैं, लेकिन रियलिटी कुछ और ही होती है। जो ज़्यादा हाईलाइट आ जाते हैं उनके पीछे, तो उनके घर में तो एक आता है एक जाता है, एक आता एक जाता है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी है जो मीडिया नहीं उस चीज़ को ज़्यादा उठाती, वो बच्चा 10 बंदों की जान बचा के गया है, उसने अपना बलिदान दे दिया और 10 परिवारों को उसने जिंदगी दे दी, लेकिन खैर जो परमात्मा की मर्जी उसके सांस इतने थे वो शहीद हो गया, लेकिन एक इंसानियत के नाते भी एक फर्ज है, एक फर्ज यही है कि दुखी परिवार के साथ आए और थोड़ा सा उनको इस दुख की घड़ी में सारा दे, भाई हम आपके साथ हैं, बाकी तो और किसी को कुछ नहीं चाहिए, भाई ये थोड़ा सा अगर आपकी तरफ से कोई आता तो अच्छा लगता। तो दोस्तों आप लोगों से सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, इस व्लॉग को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ऐसे ग्रुपों में भेज दो, व्हाट्सएप ग्रुपों में या कहीं भी, जहां पे ये हरियाणा के नेता जो जब वोट मांगनी हो तब तो भाई हरियाणा नंबर 1 है शहादत पे, सबसे ज्यादा शहीद हरियाणा में है, पर जब कुछ ऐसी बात आती है तब ये दिखते भी नहीं है। हाँ ये चीज मैं नहीं दिखाता, बट मेरे को दिखाना इसलिए पड़ गया क्योंकि आप लोग मेरी फैमिली हो, दूसरी कि ये चीज मुझे अपडेट देनी जरूरी पड़ेगी क्योंकि ये जो भाषण इतने बड़े बड़े देते हैं पॉलिटिशियंस, बट जब रियलिटी की बात आती है ना तब ये कहीं नहीं खड़े होते। तो बस आप लोगों को बताना जरूरी था ताकि आप लोग भी अवेयर हो और आप लोग इस बात को आगे पहुंचाओ।